हेलो एवरीवन. सो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का एक टॉपिक क्लास 10 से. और उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जानने से पहले हमें थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट अस सी ब्लड वेसल्स क्या होती है. अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स हो सकती हैं आपकी तीन टाइप की. ठीक है, एक हो सकती है आर्टरी, एक हो सकती है वेन्स और तीसरी हो सकती है कैपिलरीज. इफ वी टॉक अबाउट द आर्टरी, आर्टरी की डेफिनेशन होती है द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज किससे स्टार्ट होता है, वर्ड ए से स्टार्ट होता है और ए से होता है हमारा अवे. ठीक है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि आर्टरीज क्या करती है, इट कैरीज ब्लड away from heart. Veins क्या करती है on the other hand, veins जो होती हैं वो blood को कहां तक पहुंचाती हैं, heart तक पहुंचाती हैं. तो these carries blood towards heart. On the other hand, अगर हम capillaries की बात करें तो capillaries क्या होती है. तो सी, अब हम बात कर रहे थे आर्टरीज और वेन्स की. तो जो आर्टरीज और वेन्स है वो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास में हार्ट है, तो हार्ट से जो दूर लेके जा रही है, द वंस विच आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ठीक है, जो इस डिरेक्शन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, हम इसे नाम दे देंगे आर्टरी. ठीक है, वेर एज अगर हम बात करते हैं ऐसी ब्लड वेसल जो कि ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेकर जा रही है, हार्ट की तरफ लेकर जाती है, ब्लड को कहां लेकर जा रही है, हार्ट की तरफ, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, वेन्स. राइट, दीज आर व्हाट, दीज आर द वेन्स. और अगर हम बात करते हैं यहां पर जो सेंटर के अंदर अगर हम बात करें, कोई भी टिश्यू या फिर बॉडी के कोई भी ऐसे पार्ट में जहां पे किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज या फिर ब्लड से सराउंडिंग के अंदर और सराउंडिंग से ब्लड के अंदर, तो ऐसी कोई भी जगह होगी तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज. तो कैपिलरीज कहां प्रेजेंट है, सो कैपिलरीज आर द वंस व्हिच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. वेन्स और आर्टरीज के बीच में जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है, दैट जंक्शन इज व्हाट, दैट जंक्शन इज आर्टरीज. ठीक है, सो आर्टरीज के बारे में हम लिखेंगे. आर्टरीज कहां प्रेजेंट होती है, दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन of arteries and veins. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें. हमें पता है कि आर्टरीज क्या करती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. वेन्स क्या करती है, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. और कैपिलरीज क्या करती है, दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स के जो जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट होती है हमारी कैपिलरीज. तो हम थोड़ा सा फंक्शन भी देख लेंगे कैपिलरीज का. तो कैपिलरीज जो होती है वो जहां पर भी प्रेजेंट होंगी वो क्या कर रही है, कोई भी चीज को अपने लाइक ब्लड ब्लड और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है. वो एक्सचेंज को फैसिलिटेट क्यों कर पा रही है, बिकॉज दीज कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो दीज आर ओनली सिंगल सेल्ड थिक. ठीक है, क्या होती है, ये सिंगल सेल्ड थिक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है. ठीक है, सिंगल सेल थिकनेस है इसकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन है फिर सिंगल सेल थिक है. तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी चीज का एक्सचेंज करवाना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि कैपिलरीज जो होती है ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड and surroundings. So blood और surroundings के अंदर जो exchange हो पा रहा है, that is all because of your
कैपिलरीज. इज दैट क्लियर एवरीवन? हमें पता है कि आर्टरीज क्या करती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. वेन्स क्या कर रही है, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. और कैपिलरीज का क्या काम है, दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग्स. एंड हाउ आर दे एबल टू डू दिस, दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड थिक. ऑलराइट, तो हम जब बोल रहे हैं हम कि कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल्ड थिक है, तो अगर हम बात करें वेन्स की, वेन्स कैसी होती है, तो वेन्स आर हैविंग थिन वॉल्स. इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, काफी थिन होती है. और अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है काफी थिक वॉल्स होती है, बिकॉज आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है वो काफी हाई होता है. ठीक है, सो दे हैव थिक वॉल्स. अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज क्या कर रही है, हमें अभी पता है राइट. आर्टरीज क्या करती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. मतलब हार्ट जब पंप करता है तो पंप करने पर जो हार्ट ब्लड पहुंचा रहा है पूरी बॉडी को, वो काफी प्रेशर से पहुंचा रहा है राइट. तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो काफी प्रेशर से फ्लो कर रहा है. तो अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज तो रप्चर हो जानी चाहिए इस तरीके से, पर रप्चर नहीं होती है बिकॉज दे हैव थिक वॉल्स राइट. पर हमको एक बात और पता है, क्या, दैट दे एग्जर्ट high pressure on the walls. नेक्स्ट, अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स जो होती है वो क्योंकि हार्ट की तरफ लेकर जा रही होती है, उतना ज्यादा प्रेशर से इसके अंदर ब्लड जो है वो पंप नहीं करता है. दैट इज वाई दे एग्जर्ट, दीज आर थिन वॉल्ड एंड दे एग्जर्ट लो, और वी कैन से लेस प्रेशर ऑन द वॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आर्टरीज के पास में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये वॉल्व क्या चीज होती है, तो वॉल्व कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर किसी भी चीज को मूव करने नहीं देती है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में चीजों को फैसिलिटेट करती है मूव करने का. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो क्योंकि हमें पता है कि आर्टरीज बहुत ज्यादा जोर से हार्ट ने पंप किया है और आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या हम चाहते हैं कि कोई भी बीच के अंदर वॉल्व आए और वो रेजिस्ट करे ब्लड फ्लो को, वी डोंट वांट दैट राइट. सो दैट इज व्हाई आर्टरी के अंदर हम लिखते हैं कि वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, सो हम लिखेंगे वॉल्व आर एब्सेंट. व्हेरएज वेन्स जो होती है वो धीरे 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 ब्लड को लेकर जा रही है कहां पर, हार्ट के पास. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वापस से बैक फ्लो ना कर जाए. ठीक है, ये वापस से नीचे की तरफ ना आने लग जाए ब्लड. दैट इज व्हाई दे नीड टू हैव व्हाट, दे नीड टू हैव वॉल्व्स प्रेजेंट, सो दैट ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सके ब्लड. बात समझ में आ रही है? तो दैट इज व्हाई वेन्स का हम बात क्या करेंगे कि वॉल्व्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो इसी तरह से हमें समझ में आया कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ब्लड वेसल्स कौन सी टाइप की हो सकती है और उन सब का फंक्शन क्या है. राइट, थैंक यू.